कितना हुआ था, कितना हुआ था? होम इंसर्ट हो गया ना, होम इंसर्ट में मैथ्स का कुछ मैं बोला था लाने को, देख लाए आप लोग? भुला गए? नहीं लाए? अब नहीं है लाया तो हम का क्या करें अब हम? चलो ठीक है, जब नहीं है लाया तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं, ठीक है? हो गया, छोड़ो। यस, ये देखो आ गया। अब यहाँ कुछ हम टाइप कर देंगे तो मैथमेटिक्स लिखा जाएगा। ये सब यहाँ से लाके ये सब ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो, मैं क्या लिखूँ ऐसे ही इसमें। ऑब्जेक्ट में जाके मैथ्स वगैरह का आप ले लाइएगा, आइकन पे क्लिक करेंगे तो आइकन आएगा, ठीक है, इस वाले पे, और नहीं क्लिक करेंगे तो पूरा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आप लोग कितने लोग करके देखे थे इन सबको? कोई नहीं किया? किए थे? नहीं किए? पक्का? ओ तब तो बहुत अच्छा है। हेडर फुटर किए थे आप लोग? पेज नंबर सारा को कर लिए थे ना? नहीं किए थे? अच्छा, टेबल में मैं एक चीज भुला गया था बताना, अभी बता दे रहा हूँ, अभी याद आया। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख दिया, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एरो की से ऐसे, ठीक है, अब ऑल्ट शिफ्ट दबा के उसको ये ऊपर नीचे चाहूं तो ले जा सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो या फिर अप एरो, ये देखो जा रहा है, जा रहा है ना, ये देख लो, तो ये मैं ले जा सकता हूं ऐसे, ठीक है। फिर कभी याद आएगा कुछ और तो बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पेज लेआउट शुरू कर दें, पक्का? चलिए पेज लेआउट में ये जो थीम्स है, कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है, इसको तो मैं शायद बता दिया था यहाँ पे, ठीक, इस वाले ऑप्शन से बता दिया था ना, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, इसमें और उसमें होम वाले में अंतर आएगा तो पूछना, ठीक, ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको बना बनाया खाना मिले तो कभी बनाना नहीं सीखोगे, जब बनाना पड़ेगा तो बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, पेज सेटअप, ठीक, पेज सेटअप में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहला आता है मार्जिन, मार्जिन में क्या है, मैं रूलर को यहां से शो करा लेता हूं, आप चाहो तो मार्जिन यहां से ऊपर नीचे आप कर लो, ठीक है। वाइवा वगैरह में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि रूलर कहां होता है, डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में और डॉक्यूमेंट के टॉप में, ठीक, डॉक्यूमेंट के टॉप में और फिर डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में रूलर बार नहीं होता, ठीक। और ये भी पूछा जाता है कि स्क्रॉल बार कहां होता है, तो बता दीजिएगा डॉक्यूमेंट के राइट में और डॉक्यूमेंट के बॉटम में, मतलब यहां पे नीचे। कब आएगा यहां पे नीचे? जब मैं इस पे आके क्लिक कर दूंगा, जूम कर दूंगा, और तो, लेकिन मैं जूम करूंगा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए जी, मैं इसको इतना ही रहने देता हूं 100% में, यहां देखिए 100 है, ठीक है। तो यही है मार्जिन, इसमें बाई डिफॉल्ट कुछ मार्जिन है, ये देख लीजिए, टॉप में इतना करूंगा तो इतना हो जाएगा, नेरो कर दूंगा तो ये देखिए और कम हो गया। मैं जनरली नेरो ही यूज करता हूं जब मुझे फिटिंग करना होता है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि आपको एक ही पन्ने में कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मार्जिन वगैरह को कम ज्यादा करके फिट करके प्रिंट कर लोगे ना, तो बस ये वही है, ठीक। हटना है, कहां से आ गया ये, ठीक है। तो ये सब मार्जिन वगैरह कुछ है, इसमें करोगे तो और ज्यादा ज्यादा मार्जिन आ गया, ये देख लो ये, ठीक है। तो यही है मार्जिन और इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक। ये डिफॉल्ट 2003 का पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है डॉक्यूमेंट का, तो ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट मार्जिन इतना है, देख लीजिए आप,
टॉप बॉटम में इतना, लेफ्ट और राइट में 1.25, लेकिन मेरे को बोलने में अच्छा लगता है, मैं बोलता हूं 1.25। ठीक, 25 बोलने में मुझे अच्छा लगता है, मेरे को सिंप्लिसिटी होता है, मैं बोल लेता हूं। ठीक है, लेकिन आप मत बोलिएगा नहीं तो आपको बेवकूफ समझेगा। मैं बोलूंगा तो समझेगा, बेवकूफ नहीं समझेगा तब वो समझेगा, लेकिन मैं सोच लेता हूं कि तुमको समझना है तो समझो, तुम्हारे समझने से हम बेवकूफ नहीं होंगे। ठीक, हाँ, ये अच्छा टेक्निक है। फिर जो मार्जिन आप यहां से कर रहे थे ना, या फिर यहां से, वही मार्जिन कुछ यहां पे भी है, ये देख लो। ठीक, ये है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, पता नहीं क्या क्या। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल ए ही दबाऊंगा ना, कंट्रोल 5 से भी आ जाता है। मार्जिन को कर दूंगा खत्म, फिर मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा कस्टम मार्जिन में, और ये देख लीजिए टोटल यहां पे मार्जिन है इतना इतना। उसके बाद एक कुछ गटर का ऑप्शन है, गटर माने क्या, वो नाली वाला गटर तो नहीं है, वो वाला गटर नहीं है इधर। ठीक है, ये कौन सा गटर है, आप कुछ हाशिया वगैरह छोड़ते हैं ना, हाशिया नहीं मालूम, जैसे आप ताव कागज लेते हैं तो मोड़ते हैं हल्का सा डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, या फिर कॉपी खरीदते हैं उसमें भी थोड़ा छोड़ा हुआ रहता है, ये वही गटर है। ठीक है, ये वही गटर है साहब, देख लेते हैं क्या बोलता है। मैं बढ़ाता जा रहा हूं, घटाता जा रहा हूं, ये कुछ तो नजरे नहीं आ रहा है, गटर नहीं आ रहा है नजर ना। अच्छा, देख लिए, चलो देख लिए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूरा उसका दिखाई देगा कि गटर कितना ज्यादा है। ठीक, ये देख लीजिए, तो इतना मैं गटर छोड़ देता हूं। ये गटर का पोजीशन है, टॉप में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, मेरे को लेफ्ट में ही चाहिए भाई, कर देता हूं मैं ओके। ठीक, अब क्या हुआ, गटर छूट गया, ये देख लीजिए, मार्जिन में नेरो मैं किया हूं लेकिन गटर छोड़ दिया है फिर भी। ठीक है, ये देखिए, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है मार्जिन। ठीक, ये देख लीजिए, बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और टॉप में या फिर लेफ्ट में मार्जिन आप इधर से कम करना चाह रहे हो, फिर भी कम हो ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाना कि हो ना हो कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक, क्या प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है जी, गटर ज्यादा छोड़ दिया है, तो आप गटर कम कर लोगे यहां से, या ज्यादा कर लोगे अपने इच्छा अनुसार, राइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया गटर, चलिए गटर खत्म हो गया, आप बाद में और गटर देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, गटर के बाद क्या आता है, अब आता है ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या, पोर्टेड और लैंडस्केप। ये देखिए, ऐसा मैं किया हूं, ठीक है, तो ये है पोर्ट्रेट, ऐसा किया हूं तो लैंडस्केप। ठीक, समझ में आ गया, यहां पे भी वैसे ही दिखा रहा है, ये है तो पोर्ट्रेट है, इसको करूंगा तो क्या है, लैंडस्केप। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन, राइट। हो सकता है आपसे वाइवा में या एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप माने क्या, तो बोल देना ये पेज का ओरिएंटेशन है। ठीक, ये बन जाएगा पक्का, नहीं बनेगा तो इससे अच्छा बात कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आ गया पोर्ट्रेट लैंडस्केप। आप चाहो तो इसको यहां से भी कर सकते हो, कहां से दिखा रहा हूं, कहां से, प्रिंट प्रीव्यू में आप जाओगे ना तो इधर भी दिखेगा आपको, इधर नहीं दिखेगा ऑप्शंस, ये तो दूसरा वाला ऑप्शन है, इधर है देखिए, है ना, तो वही वाला मैं बता रहा था। ठीक है, यहां पे भी है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, करके दिखा दूं, ये जी यहां पे ले लो, ये देखो हो गया ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये अभी किस में है, लैंडस्केप में है कि पोर्ट्रेट में है, अभी ये लैंडस्केप में, ये आप यहाँ पे देख लो, ये पोर्ट्रेट में करूंगा तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो पेज ब्रेक होगा, नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक का शॉर्टकट बटन है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक, पेज नंबर 5 में, फिर मैं यहाँ पे आता हूं। ठीक है,
और फिर कस्टम पेज में आ जाता हूँ, ठीक है। कस्टम पेज था ओके, क्या था, कस्टम मार्जिन वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल पेज, मिरर मार्जिन, टू पेज पर सीट, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक। अप्लाई कहाँ करना चाह रहे हो, होल डॉक्यूमेंट में या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मैजिक देखिएगा क्या है, होल डॉक्यूमेंट में कर देंगे तो सब में हो जाएगा, मैं कर देता हूँ इसमें, ठीक। और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, लैंडस्केप कर दिया, ओके, हो गया ये लैंडस्केप, ठीक है। अब ये देख लीजिए आ गया। अब क्या आपको फर्क मिला, बाकी जितना ऊपर का पन्ना है ठीक है वो सब तो वैसा ही है, लेकिन नीचे वाला जो था वो क्या हो गया, ये देख लीजिए, नीचे वाला सारा हो गया, ये भी हो गया और उसके नीचे का भी हो गया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका यही है कि क्या बोलते हैं उसको, सारा में मैं कर दूंगा, ठीक है। दिस सिलेक्शन इस पे क्लिक करके क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, गटर को बढ़ा दूं, पोर्ट्रेट कर देता हूं, ये देखिए पोर्ट्रेट हो गया। अब यहां पे आता हूं इसमें, ठीक, इस पन्ने पे आया, ठीक है। और यहां पे क्या कर दिया, कस्टम मार्जिन और दिस सेक्शन ए लीजिए आप, मैं तो अभी कुछ कर भी नहीं किया, इसमें क्लिक कर दिया और कर दिया ओके। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है यार, क्या करें हम, सारा हो गया देख लो आप, ऊपर का हो गया, नीचे का देख लो वैसे है, ठीक है। ये देख लीजिए नीचे का वही है ना, ऊपर वाला जो है पूरा बदल गया, ठीक है। तो यही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार आदमी हो, सब कुछ आप लोगों को आता ही है, ठीक है। क्लोज कर दूं, इसमें कछु दिक्कत है किसी को, नहीं है दिक्कत, है नहीं है, यही है। आगे चलें, नहीं चलें, चलते हैं आगे। अब इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिक्कत ये क्या है, ये बोल रहा है कि दिस चेंज विल बी अफेक्ट ऑल न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स, ठीक है। ये जो फॉन्ट में आपको डिफॉल्ट बताया था ना, वो डिफॉल्ट का क्या यूज है, वही डिफॉल्ट का मतलब यहां भी है, ठीक है। जैसे मैं कुछ सेटिंग यहां पे कर दिया हूं, ठीक है, और वो सेटिंगों का चाहता हूं कि डिफॉल्ट सेटिंग हो जाए, तो वही हो जाएगा ये, ठीक है। पेपर, पेपर में मैं आ जाऊंगा, पेपर का यहां पे साइज बोल रहा है, यही पेपर का साइज यहां पे भी है, ठीक। क्या करेंगे हम, अब पेपर का साइज जो है बड़ा छोटा करना है, तो क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे बड़ा छोटा साइज, और मोर पेपर्स में जाएंगे तो और भी पेपर्स यहां पे देखिए आ गया, ठीक है। यहां पे, यहां आइए और यहां पे आ जाइए, तो यहां से भी इस पेपर पे आप आ सकते हैं। पेपर का साइज यहां पे कुछ है, लेटर है और बाकी इधर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि हाइट विड्थ दे दें यहां पे, तो हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। कस्टम साइज में आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी अप्लाई कहां पे होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट सब में अप्लाई कर दो जी, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। ये है प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन बोल रहा हूं, वो जो एडवांस वाला ऑप्शन दिखाया था ना मैं आपको, वही वाला ये है ऑप्शन, ठीक है। यहां पे ये ऑप्शन खोलना है तो आप उधर से भी खोल ही सकते हो, कहां से, यहां से वर्ड ऑप्शन खोलोगे तो आ जाएगा, इसको देखेंगे आखिरी में हम लोग, ठीक है। यहां पे आया मैं, और ये पेपर है साइज बड़ा छोटा, ठीक है। और फिर इधर आ जाएंगे तो ये वही है, हेडर फुटर ऑड पेज डिफरेंट फर्स्ट पेज, हेडर का मार्जिन कितना होना चाहिए, हेडर फुटर में तो मैं इसको बता दिया था, ठीक है। तो वही है, पेज का अलाइनमेंट क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, और ये बॉर्डर वगैरह है पेज का, जो मैं बॉर्डर और शेडिंग में बता दिया था ना इसमें पेज वगैरह का, यहाँ पे भी आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग पेज का, तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये वाला पेज का साइज बड़ा छोटा आप कैसे करोगे, क्लियर हो या नहीं है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक, पेज का साइज बढ़ गया ना,
छोटे वैसे ही है। A3 कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, A4 कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा, ये देखिए ठीक। तो वही ये पेज का साइज है राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आगे चले, अब आते हैं कॉलम में ठीक। एमएस वर्ड कॉलम, इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पे बोल रहा है 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट में राइट में ठीक है। मैं 2 कॉलम में क्लिक कर दिया, अब ये 2 कॉलम में ये बंट गया है देख लीजिए ठीक है। इस कॉलम में आना है तो क्या करूंगा, कॉलम ब्रेक ठीक, यहां पे ब्रेक्स में मैं आऊंगा और फिर कॉलम ब्रेक में क्लिक कर दूंगा तो यहां पे आ जाऊंगा मैं कॉलम ब्रेक में ठीक है। इस कॉलम में आ जाऊंगा, शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, दूसरे कॉलम में मैं आ गया ठीक। अब मैं क्लिक करूंगा तो इसमें भी आ जाऊंगा ठीक है। ये देखिए टाइप हो रहा है, तो यही है आपका कॉलम, एक कॉलम ये है दूसरा कॉलम ये है ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जी और देखते हैं कॉलम में क्या है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में ज्यादा हो जाएगा, राइट लेफ्ट में कम होगा, राइट में ज्यादा हो जाएगा ठीक है। जैसा ही आइकन दिख रहा है वैसा ही काम है इसका। मोर कॉलम्स में जाएंगे ठीक है, तो यहाँ पे 1 कॉलम है 2 कॉलम है 3 कॉलम है लेफ्ट है ठीक है। अब लाइन बिटवीन, इसका क्या मतलब होगा, बीच में एक लाइन आ जाए, मैं बोल दिया जी हाँ दे दो एक लाइन, तो यहाँ पे बीच में एक थो लाइन भी आ गया, ये देख लीजिए आप ठीक है, आ गया है ना लाइन, तो यही है इसका मतलब ठीक। फिर से जाएंगे मोर कॉलम्स में ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, मैं यहां से अपने से चाहूं तो कम ज्यादा कर सकता हूं कॉलम, ये देख लो कर सकता हूं ना, हो रहा है कम ज्यादा, तो ये है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैं चाहता हूं 10 कॉलम हो जाए तो 10 कॉलम हो जाएगा, यहां पे 10 लिख दूंगा तो ठीक है। यहां पे विड्थ और स्पेसिंग का भी मैं निर्धारण कर सकता हूं, ये देखिए हो रहा है ना, यहां पे आप देखिएगा ठीक हो रहा है, विड्थ कितना होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए ठीक है। ये देखिए 2 कॉलम के बीच में, ये देखिए स्पेस में कम ज्यादा यहां से कर सकता हूं, ये प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे ठीक है। इक्वल कॉलम विड्थ कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा, ये है ही था ठीक है, तो ये वही है बाकी कुछ नहीं है। अप्लाई वर्ड डॉक्यूमेंट में कर देंगे तो सब में हो जाएगा ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कर दूंगा तो सब में हो जाएगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दूंगा तो नीचे वाले में हो जाएगा ठीक है। मान लीजिए ये पन्ना मेरे को चाहिए 2 कॉलम में, लेकिन नीचे का जो पन्ना है ना वो मुझे 2 कॉलम में नहीं चाहिए, क्या करूंगा कंट्रोल एंटर, यहां पे तो 2 कॉलम है जी, आऊंगा यहां पे कर दूंगा सिंगल कॉलम, लिख दिया यहां पे ठीक। अब ऊपर वाला भी हो गया ऐसा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया चला गया मैं ऊपर ठीक है, इसको कर दिया ऐसे ठीक। अब ये वाला जो है सिंगल कॉलम में है ठीक, और ऊपर वाला जो है 2 कॉलम में है राइट। तो आप इस तरह से लेआउट अपना तैयार कर सकते हैं ठीक है। जैसे मान लीजिए फिर से मुझे अगला वाला जो है ना, ये वाला कर दिया, ये तो सिंगल कॉलम में लिखा हूं मैं ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कंट्रोल एंटर मारा, अब दूसरा जो पेज है वो 3 कॉलम में हो जाए, तो क्या करूंगा, पहले टाइप कर लिया ऐसे, सिलेक्ट किया, यहां पे आया कर दिया 3 कॉलम ठीक, हो गया 3 कॉलम। अभी लिखा 1 कॉलम में है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, तीसरे कॉलम में आया, दूसरे कॉलम में फिर मारा, तीसरे कॉलम में आ गया ठीक। मेरा तीसरा जो पेज है वो 3 कॉलम का है, जो दूसरा पेज है वो 1 कॉलम का है, और जो ये पहला पेज है वो 2 कॉलम का है ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम कॉलम डिवाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कर लो, दिक्कत आ रहा है तो ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और कॉलम में डिवाइड कर दीजिए ठीक है। मान लीजिए एक ही पेज में मेरे को कुछ टेक्स्ट 2 कॉलम में लिखना है, मैं इस एमएस ऑफिस को क्लोज कर देता हूं ठीक है, होना जल्दी क्लोज, इतना टाइम कहां है मेरे पास।
जैसे मान लीजिए पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर छपता है तो उसमें क्या रहता है, हेडिंग जो रहता है एक ही कॉलम में पूरा रहता है, ठीक है। इसको मैं बड़ा बड़ा कर देता हूं ऐसे, ठीक है, कर देता हूं इसको सेंटर। ये रहेगा सिंगल कॉलम में, ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो रहेगा ना वो सब क्या रहेगा, तीन कॉलम में, ऐसा मैं चाह रहा हूं। तो कैसे बनाऊंगा जरा दिमाग लगा के मेरे को बताइए आप लोग। कुछ नहीं करूंगा यार, यहां पे टाइप कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके कर दूंगा तीन कॉलम में। कहां, पेज लेआउट में कॉलम होते हैं ना, कर दूंगा थ्री कॉलम्स, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसमें कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आ गया, ठीक। ये वाला हेडिंग जो है ये सिंगल कॉलम में है, ठीक है, और ये जो है ये तीन कॉलम में है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लिया करोगे, ठीक। बन गया ना एक ही पन्ने में अलग अलग कॉलम, कुछ टेक्स्ट एक कॉलम में है, कुछ टेक्स्ट तीन कॉलम में है, बन गया एक ही पन्ने में। तो इस तरह से आप लोग बना लिया करना जरूरत के हिसाब से, ठीक। मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया तो मैं चार्जर ले लेता हूँ, ठीक है। आगे चलें आप, एक कॉलम में मैं उम्मीद करता हूँ शायद ना आए किसी को दिक्कत, कॉलम में तो नहीं आएगा ना दिक्कत अब। आगे चलें, हाँ ना, ठीक है। ब्रेक में आते हैं, ये क्या है, ये ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है, पेज ब्रेक करेगा, कॉलम ब्रेक करेगा, टेक्स्ट रैप ब्रेक करेगा, नेक्स्ट पन्ना ले लाएगा, ठीक है, ऑड पेज इवेंट पेज में ब्रेक करेगा, ठीक है। ये ब्रेक सेक्शन है और ऊपर बेस में ऊपर पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैप ब्रेक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ टाइप किया, ठीक है, ऐसे टाइप में करता जा रहा हूं, ठीक है, करता रहा हूं ऐसा टाइप। अब मैं ये चाह रहा हूं ना कि मेरे को यहां से अगले लाइन में टाइप करना है ऐसे, ठीक, ऐसे टाइप कर देना है मेरे को अगले लाइन से। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या इसमें यह है ना कि यहां से मैं जब ब्रेक किया हूं नीचे लाइन में आया हूं तो एंटर दबा के आया था ना मैं, तो एंटर जैसे ही दबाया तो पैराग्राफ चेंज हो गया ना। मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ चेंज ना हो, ठीक, पैराग्राफ चेंज ना हो, तो क्या करूंगा मैं अभी, कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा तो बोलेगा दो पैराग्राफ, ठीक, बोल रहा है ना दो पैराग्राफ, तो पता कैसे मुझे चल रहा है कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। तो यहां पे ए लाइन का और ए लाइन का दूरी ज्यादा है, तो आप कह देंगे जी कि दूरी को खत्म कर दूंगा तो पेज ब्रेक जो है खत्म हो जाएगा, क्यों, ये देखिए अब तो पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन एमएस वर्ड तो बोल रहा है कि दो पैराग्राफ है, बोल रहा है ना, मतलब पता चल गया। तो क्या करना चाहिए जी, डिलीट बटन दबा के पैराग्राफ को मैं खत्म कर दिया, ठीक। अब कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा तो एक पैराग्राफ है। अब मैं चाह रहा हूं कि लाइन को ब्रेक कर दूं, पैराग्राफ भी चेंज ना हो, तो क्या करूंगा, ब्रेक्स में आऊंगा और कर दूंगा टेक्स्ट रैप ब्रेक, क्लिक कर दिया, दूसरे लाइन में आ गया और पैराग्राफ भी मेरा नहीं बदला। प्रमाण क्या है जी, पैराग्राफ नहीं बदला। वर्ड काउंट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी दबाया, पैराग्राफ में एक दिखा रहा है ना, मतलब पैराग्राफ नहीं चेंज हुआ, लाइन ब्रेक कर दिया है, तो यही इसका मतलब है, ठीक। एक कॉलम ब्रेक तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, करके दिखाऊं या समझ गए होंगे, करके दिखा दूं, ठीक है जी, करके दिखा दे रहा हूं। इसको आप दो कॉलम में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यहां पे टाइप कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगले कॉलम में इस कॉलम में आना है, कैसे आऊंगा, यहां पे आऊंगा और कर दूंगा कॉलम ब्रेक, ठीक, आ गया। इसमें शॉर्टकट बटन है इसका, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक, तो यही है आपका कॉलम ब्रेक, ठीक है। ये देखिए आ गया नेक्स्ट पेज, तो इसका मतलब यही है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये कौन सा ब्रेक है, ठीक है, ये देखिए नीचे लाइन में पहुंचा दिया आप, ठीक है,
कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक, इस सेक्शन को ब्रेक जो है कर रहा है, ठीक है। तो मुख्य तो यही तीनों हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इस्तेमाल इसका कर लीजिएगा, लेकिन ये तीन में तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आएगा। ये टेक्स्ट ब्रेक है, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, दिक्कत नहीं आएगा ना। पेज ब्रेक का शॉर्टकट बटन जरा बताइएगा आप लोग, बताइए। कॉलम पेज ब्रेक का शॉर्टकट बटन, लाइट ही कट गया, अब क्या कर सकते हैं, बताइए शॉर्टकट बटन। नहीं पता, पता है, इसको रोक लेता हूं, आगे चले। अब कहां तक मैं छोड़ा था, कहां पे था मैं, ये ब्रेक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, हो गया है ना। चलिए, ये क्या है, लाइन नंबर, ठीक, इसको कर देता हूं मैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ठीक, ये है लाइनिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जितना लाइन लिख रहे हैं सारा लाइन को गिनती कर रहे हैं। इस लाइट का मैं क्या कर सकता हूं, अब थोड़े देर में ही देखते हैं। ये देखो, एक लाइन में यहां पे लिखा हूं, ठीक है, यहां पे आया, यहां पे आया और कर दिया कंटिन्यूअस में, यहां पे आ गया एक, ठीक है, तो एक गिनती करना शुरू कर दिया, वही इधर भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बता इसलिए रहा हूं ताकि मान लीजिए एक्सीडेंटली आप कहीं टाइप कर रहे हैं, जरूरत तो ऐसे पड़ता नहीं है, एक्सेप्शन केस को छोड़ दें तो, ठीक है, मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, और फिर ये गलती से किसी भी तरह से एक दो तीन चार आ रहा है शुरू में, ठीक, तो आप कहोगे कि ये क्यों आ रहा है, मालूम नहीं, ठीक है, इसको हटाना चाह रहे पर ये हटता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाना है तो कैसे हटाओगे, लाइन नंबर पे जाओगे, नन पे क्लिक कर देना तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा कैसे सको, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। फिर लाइन ऑप्शंस वगैरह है, ठीक है, तो इसका कुछ खास इस्तेमाल है नहीं उतना, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आपको जानने का शौक है तो एक्सपेरिमेंट करना, दिक्कत आएगा तो पूछ लेना, ठीक, ठीक ना। ये हाइफन है, ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हाइफन्स वगैरह लगेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, ठीक है, मैनुअल कुछ कॉपी पेस्ट में कर लो क्या, हाइफन ऑप्शन में चले जाते हैं सीधा, ठीक है। ये हाइफन वगैरह का स्पेसिंग है, बट इसका तो इस्तेमाल आज तक मैं किया ही नहीं, मतलब है कि ये जल्दी इस्तेमाल काम में तो आता नहीं, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे हाइफन दे दिया, कर देता हूं मैं एस, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दे दिया, ठीक, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, मैं नहीं बताने का मेरा मन नहीं है कि बताऊं मैं इसको, ठीक है। आपको यूज करना है तो एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, और नहीं तो पूछ लेना, ठीक है, लेकिन इसका जरूरत तो पड़ता नहीं है, ठीक है। आता हूं मैं वाटरमार्क पे, ठीक है, वाटरमार्क, अच्छा ये दोनों तो समझ में आई गया आपको, लाइन नंबर, लाइन नंबर और ब्रेक, ठीक है। वाटरमार्क का क्या मतलब है कि जैसे आप मार्कशीट वगैरह देखते हो ना, तो उसमें पीछे साइड धुंधला सा आता है ना, जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंशियल है, ठीक, आ गया। अब इसमें कुछ भी आप टाइप कर दो, ठीक, ऐसे ऐसे टाइप कर दिया मैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके पीछे साइड में देखिए पूरा आ रहा है ना, वाटरमार्क आ रहा है, प्रिंट होगा तो ये भी होगा। जैसे कोई कंपनी कुछ दस्तावेज है या कोई किसी कंपनी का कुछ किताब वगैरह है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में लिख देगा अपने कंपनी का नाम या फिर कुछ भी लिख देगा, ठीक है, तो ये वाटरमार्क कहलाता है, ठीक। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, डू नॉट कॉपी,
ठीक है, कि मतलब जी मेरा पर्सनल है, मेरे बाप का है, मेरा प्रॉपर्टी है, कॉपी मत करो इसको, मैं नहीं कॉपी करने दूंगा, करोगे तो केस करूंगा, ठीक, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट है, कस्टम बनाना है, कस्टम, ठीक, यहां पे आ जाओ, नो वाटरमार्क, तब क्या होगा, वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा, या फिर वाटरमार्क रिमूव आप यहां से भी कर सकते हो क्लिक करके, वाटरमार्क रिमूव हो गया, कस्टम वाटरमार्क में आप आइए, ठीक है, यहां पे मैं आता हूं, पहले पिक्चर वाटरमार्क, पहले पिक्चर बता दो, नहीं पहले टेक्स्ट बता दे रहा हूं, पहले टेक्स्ट वाटरमार्क में आया, भाषा में मैं अंग्रेजी ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे बोल रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या होना चाहिए जी, मैं लिख देता हूं SEMANT, ठीक है, .MISHR, ठीक है, ये फॉन्ट है, फॉन्ट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं करूंगा TIME टाइम न्यू रोमन, ठीक, साइज अभी मैं ऑटो रहने देता हूं, ठीक, कलर पूछ रहा है कौन से कलर का वाटरमार्क करना है, मैं रेड कर देता हूं, ठीक है, कर दिया रेड, कर देता हूं, अभी ये डायगोनल की क्या लिखा है हमको अंग्रेजी आता नहीं उतना, ओके मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आ गया, ठीक, आ गया ना वाटरमार्क, अब और इसको देखते हैं, इसमें क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अप्लाई में क्लिक कर दे रहा हूं तो ऐसे हो जाएगा, इसमें क्लिक करूंगा और ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मेरे से पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, हमको अंग्रेजी आता नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, इसमें क्लिक करूंगा तो ये देखिए डार्क हो गया, ठीक, और फिर से इसमें चेक कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, धुंधला हो गया, ठीक, तो ये है टेक्निक, ठीक है, तो आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, बना लोगे ये सब, ठीक है, ये सब कलर वलर है, आप देख लेना, ठीक है, ऑटो में अगर मैं इसमें 36 कर दूं तो क्या होगा, जी अप्लाई करके यहीं से दिखा दे, छोटा हो गया, मजा नहीं आया, ये कर दूंगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, यहां पे आके मैं कर दूंगा इतना तो क्या हो जाएगा, इतना, लेकिन ये और मजा नहीं आया, इसलिए ऑटो ही कर देता हूं, लाइट कट गया तो और मजा नहीं आया, दिमाग खराब, यहां तक तो सबको समझ में आ ही चुका है, ठीक है, देख लो आप प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए बड़ा क्लियर आ रहा है ना, तो टेक्स्ट वाटरमार्क तो सबको आ ही गया कि टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे होगा, ठीक है, फिर से आ जाता हूं मैं कस्टम में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना टेक्स्ट वाटरमार्क में, अब आते हैं पिक्चर वाटरमार्क, कस्टम में आ जाओ, ठीक है, फिर पिक्चर वाटरमार्क, ठीक है, सेलेक्ट पिक्चर, पता नहीं फोटो है या नहीं है, फोटो शायद है नहीं मेरे कंप्यूटर में, खींचना पड़ेगा ना, सही बात है, मजा नहीं आया, फोटो है नहीं, है हाँ यार खड़े हो जाओ आप, फटाक से खींच ये लेते हैं, नहीं सर ठीक है, अब फोटो है नहीं, नहीं मैं बता देता, ठीक है, चलो पिक्चर वाटरमार्क को कल देख लेंगे, ठीक, बंद कर देता हूं मैं, लेकिन पिक्चर वाटरमार्क भी वैसे ही चलता है, ठीक है, अच्छा 2 सेकंड रुकना थोड़ा सा, कुछ कॉपी कर लेता हूं फोटो, वाटरमार्क, कस्टम, पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, आप तो मिलेगा पिक्चर डेस्कटॉप, और यहां पे कर दूंगा अप्लाई, आ गया, लेकिन ये तो पते नहीं चल रहा, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिमूव हो गया गलती से, कस्टम, अप्लाई,
ठीक, अब थोड़ा क्लियर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्लियर नहीं आएगा, ठीक है, और इसको अनचेक कर दूंगा तो क्लियर आ जाएगा, ठीक। प्रीव्यू देख लो आप, ऐसा आएगा, ठीक है। और अब आगे भूल गया मैं, कस्टम वाटरमार्क कुछ यहाँ स्केल वगैरह के लिए 500% कर दूं तो क्या होगा देख लो, ठीक है, ये देख लो, 100% कर दूंगा तो क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा और क्या, हो गया। लेकिन बहुत अच्छा है कि ऑटो रख दो, ठीक। तो यही है पिक्चर वाटरमार्क, इसमें और कुछ रखा है नहीं, ठीक है, बस यही है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, यहां आके, यहां आके मैं रिमूव कर दूंगा वाटरमार्क, ठीक है। तो वाटरमार्क तो क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए वाटरमार्क में, नहीं होगा ना। आगे चलें, पेज कलर क्लिक करूंगा इसमें और यहां से रंग बिरंगा पेज में ले लूंगा, वाह कितना बढ़िया दिख रहा है, खुश होने का जरूरत नहीं है, प्रिंट करोगे तो नहीं आएगा वैसा। सर काला कीजिए ना, काला। मैं काला अगर कर दूंगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अच्छा दिख रहा है, गलती से दिख गया। लेकिन यहाँ ऐसा ही आएगा, ठीक है, ये देख लो। तो ये पेज कलर है, यहाँ पे आओ मोर कलर्स, तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर से पेज कलर में आइए, फिल कलर, तो वहां पे जो देखे थे ना आप लोग इस तरह का इफेक्ट वगैरह आ गया, यहाँ भी सारा इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, ठीक। जो शैडो वगैरह ऑटो सेट में जो बताया था ना मैं, वही वाला टोटल यहाँ पे टू कलर करूं तो यहाँ भी टू कलर आ जाएगा, कैसे आएगा, पेज कलर फिल इफेक्ट, यहाँ पे ले लूंगा इसको, फिर यहाँ पे ले लूंगा इसको, तो ये आ जाएगा, ये देख लो, ठीक ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाएगा, ओके कर दूंगा तो आ जाएगा, देख लो, ठीक है। फिर से इफेक्ट में आऊंगा पेज कलर से, ठीक है, इसमें क्लिक कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है ये सब लाना, ये सब देख लो आप, ठीक है, ओके कर दिया तो आ गया, ठीक है। तो ये सब बड़ा आसान है, ये सब तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसमें क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में ये सब आ जाएगा, जैसे इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो आ गया, डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया था मैं, ठीक है। इस पे आऊंगा, पैटर्न में भी आऊंगा तो वही सब पैटर्न वगैरह जो ऑटो सेट में था जो आप लोग देखे, ठीक है। पिक्चर में जाऊंगा, सेलेक्ट पिक्चर में क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप में इसको ले लूंगा और कर दूंगा ओके, अब देखो एकदम क्लियर आ गया। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू देख लो तो सच पता चल जाएगा। भाई नहीं तो दिखा, ठीक है, अब क्या करूं तो मैं, चलो डेस्कटॉप पे आ जाता हूं और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अरे तो वाटरमार्क करके प्रिंट कर लिया करना, ये देखो प्रिंटिंग किया तो ये वाला आया, ठीक है। XPS, नो 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 नो, ये तो ओपन ही नहीं होगा, PDF में बनाता हूँ, ठीक है। अरे हटना, किधर से आ जाता है, इसको बनाते हैं PDF, ठीक है, फिर देखना, ठीक। डेस्कटॉप H एंटर, PDF को ओपन करने का भी सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडो डाला लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाया। जब PDF आप बनाएंगे तो क्या होगा, सच आपके सामने है, ठीक, ये देख लो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करोगे अपना तो ये आ जाएगा, लेकिन मजा नहीं आया, ऐसा है ना, एक ही था। हाँ था एक ही तो, लेकिन रिपीट कर दिया ये, ठीक है। फिर से आ जाते हैं इसमें, सिंपल
रोटेशन इफेक्ट सेलेक्ट दूसरा तो मेरे पास फोटो नहीं है कि मैं कुछ करूंगा, इसलिए मैं आप कुछ करता ही नहीं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, आपको देख लिए होंगे, ठीक ठीक है ना, ये देख लो ये ऐसा है, ठीक, ये भी रिपीट हुआ है, ये देख लो नीचे, ठीक है। आगे चलें जी, आप ऐसा काम करना, जो मैं फोटो दिखाया था ना वो फोटो साइज में छोटा था, ठीक है, आप हाई रेजोल्यूशन का फोटो लेना, एचडी क्लियरिटी में फोटो को लेना, ठीक है, और फिर उसको सेट कर देना, ठीक, और फिर उसको कन्वर्ट कर देना पीडीएफ पे, मेरे में वो जा रहा है, आप में नहीं होगा तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है, इंस्टॉल कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ बना के फिर आप प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो पेज कलर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को, नहीं आएगा ना, नो कलर में करके मैं व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। तो आगे चलें, ठीक है, पेज बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर वही है जो आप पहले पढ़े थे एक बार, ये देख लो आ गया बॉर्डर में पेज, ठीक है, इसमें जिस जिस पे क्लिक करेंगे आप नन कर देंगे तो बॉर्डर गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे यहां पे, ठीक है, साइडों में, तो क्या करेगा, इधर इधर थोड़ा बोल्ड करेगा, ये देखिए इधर इधर हो गया, मतलब साइडो कर दिया, ठीक है, ये देख लो आप यहां से मन चाहा, ये देख लो इसको लोगे तो ऐसा कर देगा, ठीक है। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक, फिर आप ज्ञानी हो जाओगे आप लोग, ठीक है। यह है 3D टाइप में कुछ दिखाएगा, ठीक है। यहां पे है कलर, आप जो कलर सेलेक्ट करना वो कलर देखो यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे विड्थ चाहो तो आप यहां से ले लो, ठीक है। आर्ट, आर्ट में जाएंगे तो कुछ ये सब आर्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये आर्ट हो जाए बॉर्डर में, तो ये आर्ट आ गया, ठीक है। अब बानाराम नहीं जानता मैं, कौन वाला करूं इसको, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा सारा है, जो मन करे आप ले लीजिए, ठीक है, इतना सारा है, ठीक, इसको कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं आके क्लिक कर दूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो सिर्फ ऊपर में बॉर्डर हो जाएगा, नीचे क्लिक करूंगा तो सिर्फ नीचे में बॉर्डर होगा, आप देख लो, ये लो, सिर्फ नीचे और ऊपर में बॉर्डर है ना, तो आप जहां जहां चाहो टॉप लेफ्ट राइट जिधर जिधर हो सब हो जाएगा। विड्थ को कम ज्यादा कर दोगे ऐसे तो हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, मैं कम कर रहा हूं तो ये देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो यही है और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार आदमी हो, जहां से कलर है मोर कलर में जाओगे तो यही दुनिया भर का निकलेगा, ठीक है। पूछ रहा है अप्लाई कहां करना है, ठीक है, तो ये देख लो आप, फर्स्ट पेज में ओनली मैं करूंगा तो पहला पेज में होगा, बाकी इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। ये 3D का है, ठीक है, वही है, ठीक है। अब मैं ज्यादा इसमें समय नहीं बिताना चाह रहा हूँ अब अभी, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप लोग करो, दिक्कत आता है तो पूछना, ठीक है। ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो कुछ मार्जिन वगैरह का आ जाएगा, ठीक है, पर मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, एक बार आप लोग ना प्रैक्टिकल करना, ठीक है, दिक्कत आएगा तो पूछ लेने का, ठीक ठीक है ना, नहीं पूछना, ठीक है, तो पूछ लेना दिक्कत आएगा तो, और दिक्कत नहीं आएगा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक। फर्स्ट ओके, ठीक, ये देख लो गायब,
फर्स्ट वाले में आ गया, बाकी सबका बॉर्डर। जैसे होता है ना कि आपको कवर पेज में सिर्फ बॉर्डर चाहिए, बाकी पन्ने में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो पहला में आ गया, बाकी में बॉर्डर गायब हो गया। ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है, बाकी का बॉर्डर गायब हो गया। तो ये बॉर्डर में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत नहीं, दिक्कत चलो दिक्कत नहीं है, तो आगे चलें। मन कर रहा पढ़ने का? नहीं कर रहा है? कर रहे हैं, चलिए ठीक है। एक खत्म बॉर्डर, वाटरमार्क, पेज कलर। चलिए अब आते हैं इंडेंटेशन में। ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करना है? हाँ। पक्का? ठीक है, प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। ये इंडेंटेशन आप लोग समझ रहे हैं? ये वही इंडेंटेशन है जो मैं इधर बताया था, ये वाला। ठीक, इंक्रीज डिक्रीज, तो यहां पे इंक्रीज डिक्रीज है, यहां पे लेफ्ट और राइट का है, ये देख लीजिए। ठीक, और यहां पे राइट साइड का ये इंडेंटेशन है। ठीक है, इसमें दोनों साइड का ये देख लीजिए। ठीक ना, तो प्रैक्टिकल आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये बढ़ रहा है ना, घट रहा है? तो यहां पे क्या था, ये इंडेंटेशन वो था जो सिर्फ लेफ्ट में इधर बढ़ता घटता था, लेकिन ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड इंडेंट इंडेंट दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो मान जैसे आपने इंडेंटेशन को बढ़ा दिया है, ठीक है, तो टाइप नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एक करके दिखा दूंगा आपको, तो ये देख लो, आगे आ गया ना। अब एंटर मारूंगा तो यहीं से हो रहा है, लिखा रहा है, लेकिन इसको बैक स्पेस मार दूंगा और फिर बैक करूंगा तो आ जाएगा किनारे। ठीक है, ठीक ना, तो ये इंडेंटेशन। प्रैक्टिकल आप लोग करिए, समझ में ना आया तो पूछिए। ठीक है, और ये स्पेस का है, पहले कितना स्पेस होगा। ठीक है, जैसे मैं एंटर मार के आ गया, ठीक है, अब यहां पे आफ्टर में इतना है, मैं इसको क्या कर दूंगा, जीरो कर दिया। अब एंटर दबाया तो स्पेस कम हो गया। ठीक है, अब यहां पे आकर के इसका आफ्टर को कर देता हूं जीरो, तो ये देखिए, तो कम हो गया ना स्पेस लाइन का, तो ये लाइन स्पेसिंग वही है, ये देखिए आफ्टर बिफोर। ठीक है, यहां पे आके वही बिफोर वाले में क्लिक करूंगा मैं, तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ घट रहा है। ठीक है, आफ्टर में करूंगा तो ये देख लीजिए आ गया। ठीक है, हो रहा है ना, तो वही है आफ्टर बिफोर लाइन स्पेसिंग, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पेज लेआउट जो है ना वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये पेज लेआउट जो मेनू था वो खत्म हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कहीं पे क्या चीज, कहीं पे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग पूछ लेना, अगर आपको लगता है कि ये छूट गया नहीं बताया तो। ठीक है, और मुझे याद आता है कि कुछ छोड़ा हूं मैं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बंद कर दें, तो पूछ लो फिर, कुछ कहीं पे दिक्कत कुछ आ रहा होगा तो। इधर इधर कहीं दिक्कत, ये पिछला वाला तो आप कर लिए हो ना, होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये क्लियर हो गया और ये वाला क्लियर हो गया। ठीक, इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आता है तो आप प्रैक्टिस करिए, समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए। पिछला रिकॉर्डिंग होगा, कुछ एक दो रिकॉर्डिंग में अपलोड नहीं किया हूं जिसको मैं कर दूंगा, थोड़ा लंबा टाइप का मैं आदमी हूं तो नहीं कर पाया। ठीक है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में कर दूं, आज वाला भी कर दूंगा एक दो तीन दिन में। ठीक है, कितना 10 तारीख 21 तारीख है ना आज, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि कर दूंगा। ठीक है, ठीक, बंद करें। चलिए, इसमें तो दिक्कत आएगा नहीं, आएगा तो पूछ लीजिएगा, कुछ मैं मेरे को याद आएगा कि मैं भूल गया हूं कुछ बताना तो बता दूंगा मैं। ठीक, चलिए जी, बंद कर देता हूँ मैं। प्रैक्टिकल आप लोग करिए।